हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहां पर देख सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट मैंने ओपन कर रखा है और एक हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्टूडेंट है कंप्यूटर साइंस के, जिनका ये सवाल है कि सर प्रॉम्प्ट कमांड कैसे चलाते हैं डॉस में। तो आसान है, देखिए मैं बताता हूं आपको। आपने अगर चलाया है तो ठीक है, नहीं चलाया तो इसको देख लीजिए, काम आसान हो जाएगा। यहां पर ये डिफॉल्ट पाथ है। अब ये डिफॉल्ट पाथ पर मैं लिखता हूं PROMPT, ठीक है, ये प्रॉम्प्ट लिख दिया। हम प्रॉम्प्ट को चेंज करना चाहते हैं तो यहां पर मैं प्रॉम्प्ट में चेंजिंग करता हूं। यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर नाम दे देता हूं, कंप्यूटर दे देता हूं। तो ये लिख दिया मैंने कंप्यूटर, ठीक है। और कंप्यूटर लिखने के बाद आपको क्या देना है, डॉलर जी देना है। ये डॉलर जी दे दिया आपने, एंटर प्रेस किया। अब यहां पर देख सकते हैं कि ये कंप्यूटर नाम से जो है यहां पर प्रॉम्प्ट चेंज हो गया है। अब यहां पर कोई एमडी नाम से डायरेक्टरी बनाते हैं, लाइक मैं यहां पर बनाता हूं यूवी, यूवी नाम से एक डायरेक्टरी बनाया हमने, सीडी से उसके अंदर जाते हैं, ठीक है, YUVI। लेकिन यहां पर तो कुछ भी नहीं आया, तो अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको लिखना है PROMPT, प्रॉम्प्ट लिखना है। और यहां पर दीजिए पहले डॉलर पी, फिर लिखिए डॉलर जी। जैसे ही लिख करके एंटर प्रेस करेंगे तो आपको वो रिजल्ट दिखाई पड़ेगा जो आपने पहले किया था, यानी कि यूवी नाम का एक फोल्डर बनाया था, तो वो आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो यहां पर देख सकते हैं ये यूवी नाम का फोल्डर जो आपने कंप्यूटर के अंदर बनाया था वो आपको यहां पर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि ये किस तरह से काम करता है। ये छोटे से वीडियो थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन दूर कर सकती है। अगर आपको वीडियो ठीक लगे तो इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।